नमस्कार, मैं हूँ रोहित। आज हम आए हैं एबीवीपी के एक प्रोटेस्ट में, तो इसी विषय में हम सिद्धांत राय जी इसे इस विषय में हम बात करते हैं, जो कि एबीवीपी के एक यहाँ के प्रवक्ता हैं। तो सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। तो सर, आप बताइए, आपने ये जो प्रोटेस्ट आपने जो किया है, तो किस विषय में ये की? जी, हमारा जब अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रपोजल आया था, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन में प्रपोजल भेजा था, उससे पहले से 2010 से हमारा ये डिमांड रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक अंडमान में होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। हमने बहुत बार रिप्रेजेंटेशन और डेलीगेशंस भी हमारा गए, यहाँ तक कि हमारे जो सिटी सेक्रेटरी है यू पार्था सारथी जी, उन्होंने राष्ट्रपति जी तक को ये चीज़ के बारे में बोला है। और साथ में हमने सिग्नेचर कैंपेन, फिर सेमिनार्स और ऐसे बहुत सारे, अभी रिसेंटली इसी साल एक रैली भी आयोजित किया था। तो आज हम ये धरना भी आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब तक हमारा शुरू से ही ये डिमांड है, जब तक अंडमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं आता तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विषय में आवाज़ उठाते रहेगा। तो आज के धरने का आपका मकसद क्या है? आज का यही मकसद है कि यहाँ के में, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसे विषयों का ज़्यादा उतना जानकारी नहीं होता है, यहाँ का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन से लेकर वो क्या 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 डिसीजंस लेता है, मेनली स्टूडेंट्स जिनको जानना चाहिए इस विषय में, उनको इस विषय में कुछ जानकारी नहीं होता। और हम ये धरना के माध्यम से और बाकी हमारे जो दूसरा प्रोग्राम्स चलते हैं उनके माध्यम से हम स्टूडेंट्स तक और बाकी अंडमान निकोबार और स्पेशली पोर्ट ब्लेयर के सिटीजन्स तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि अभी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रपोजल यहाँ पे आया है, जो आगे बनने वाला है और जो प्रशासन जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके जगह में अंडमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कितनी आवश्यकता है, ये ही हमारा मुद्दा है आज का। तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का विरोध क्यों कर रहे हैं? डीम्ड यूनिवर्सिटी का विरोध करने का बहुत सारा हमारा रीज़न है। हमने वैसे जब यहाँ में डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रपोज हुआ था प्रशासन की तरफ से, तब हमने RTI के माध्यम से कुछ डिटेल्स निकाला था। उस डिटेल्स में हमें ये मिला कि यहाँ पे अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी जो बनेगा, उसमें जो कॉमन डिग्री कॉलेजेस जैसा होता है, जो कॉमन डिग्री होता है जो MA BA का, फिर MSc BSc का और बाकी सब जो उसका जो हायर जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो सब ना आते हुए यहाँ पे स्पेशलाइज कोर्सेस चलाया जाएगा। और उससे रिलेटेड जो स्पेशलाइज कोर्सेस होगा, अंडमान का जो यहाँ का स्टूडेंट है, यहाँ का जो यूथ है, उसके लिए उतना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगा। और इसीलिए, क्योंकि मेनली यहाँ में एजुकेशन को प्रमोट करने का क्या है, यहाँ के जो लोकल्स है, यहाँ के जो निवासी है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी यहीं पे क्रिएट करवा के देना, ये ही होना चाहिए। तो ये नहीं है। और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये लोग एजुकेशन टूरिज़म के नाम पर साउथ ईस्ट एशिया के से भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन देंगे। तो मेनली इसमें ये होगा कि यहाँ पे पढ़ के तो वो लोग वहाँ पे जाके अपना जॉब या जो भी है वो करेंगे, मगर यहाँ के लोगों को उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। एक तरह से ये यहाँ पे पढ़ के एजुकेशन, हम ये मानते हैं कि एजुकेशन टूरिज़म से यहाँ के प्रशासन को भी बहुत फ़ायदा होगा, अंडमान के लिए भी बहुत फ़ायदे की बात है, मगर जब ऐसा होता है तो यहाँ का तो ब्रेन ड्रेन होना नहीं चाहिए ना। लोग यहाँ पे आएंगे और बाहर जाके अपना कुछ भी काम करेंगे और यहाँ के लोगों को उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मुद्दा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बेनिफिट क्या है? हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये बेनिफिट्स है। पहला बात तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल फंडेड होगा। यहाँ में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रपोजल है, जो जिसमें अभी काम ये लोग प्रशासन चला कर रख रहे हैं, तो इसमें वो पहला बात तो RTI में हमने ये भी देखा कि वो सेल्फ सफिशियंट होगा। तो मतलब जितना भी उसका फीस से रिलेटेड है, जितना भी खर्चा है, वो स्टूडेंट्स को अपने तरफ से देना होगा, जिसके वजह से यहाँ पे वैसे भी सभी चीज़ का कॉस्ट और जो फीस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत इकोनॉमिक बर्डन आएगा। दूसरा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे आने से, यहाँ पे जैसे कि आप JNRM कॉलेज ले लो या कोई भी कॉलेज ले लो, कितने सारे ऐसा डिग्री कॉलेज है और ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन से
जिसमें बीए का तो कोर्स है मगर एमए का कोर्स अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी शुरू होता है, तो एमए का कोर्सेज जो चल रहा है उसका, बीए का कोर्सेज जो यहाँ पे चल रहा है उसका एमए का कोर्सेज भी आएगा, एमफिल पीएचडी रिसर्च स्कॉलर का भी वो सब आ जाएगा। यहाँ पे एलएलबी कॉलेज है तो एलएलएम भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये फ़ायदा है कि अगर यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो तो इनको बाहर से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना है, जैसा कि एजुकेशन टूरिज़्म के नाम पे ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री से करने वाले हैं, तो इससे अगर यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा तो यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा और वहाँ के लोग भी आ जाएंगे, जिससे टूरिज़्म भी यहाँ पे अच्छा रन करेगा अंडमान। इस धरने के आधार पे, इस इशू पे आप लोगों ने क्या क्या काम किया है? इस धरने से पहले इसी साल मार्च के महीने में हमने एक रैली करवाया था, वो रैली बेसिकली यही पोर्ट ब्लेयर में अबर्डीन बाज़ार में हुआ था। मतलब कहाँ पर? मतलब ये एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम से लेके अबर्डीन बाज़ार का स्टूडेंट्स का अच्छा संख्या रहा उसमें, और उस रैली का मकसद ये था कि उस समय यहाँ पे प्रेसिडेंशियल विजिट था, तो हमारा हमें ये प्रेसिडेंट जी को कन्वे करना था कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिटी का कितना आवश्यकता है। साथ ही उसी समय में हमारा जो सिटी सेक्रेटरी है यू पार्थ सारथी जी, वो भी प्रेसिडेंट साहब से मिले थे इस विषय में, उन्होंने भी बहुत हमें सजेस्ट किया था इस विषय में कि कहा था कि इस विषय को अंडमान में हाईलाइट होना चाहिए, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। साथ ही उससे पहले हमने मंथन नाम का एक सेमिनार भी किया था, जिसमें यहाँ के जो एजुकेशन और एकेडमिशियन एजुकेशनिस्ट सबको हमने बुलाया था, साथ में यहाँ के जो पब्लिक फिगर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी हमने बुला के एक ओपन डिस्कशन करवाया था मंथन नाम से। उससे पहले भी हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया था यहाँ के सभी कॉलेजेस में, और अभी आगे जाकर भी हम एक ट्विटर ट्रेंड चलाने का प्लान कर रहे हैं कि अंडमान में आज तक ट्विटर ट्रेंड चला नहीं है, साथ ही हम वो ट्रेंड के माध्यम से सोशल मीडिया में इस चीज़ को और भी उठाएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।